नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा संपन्न कर दी गई है, जिसमें जीएस के प्रश्न को लेकर के कई अभ्यर्थियों के द्वारा जो है सवाल पूछा जा रहा था। विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जो भी क्वेश्चन उनको अवेलेबल करवाए जा रहे थे, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं, ताकि एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को पता चल सके, अपने जो है आंसर को मिला सकें और एक सही निष्कर्ष पर आप लोग पहुँच सकें। तो आइए एक एक करके हम लोग इसमें जो है देखते हैं कि अकबर द्वारा पहली बार जजिया कर जो है कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका विकल्प संख्या एक यानी कि 1564 ईस्वी इसका जो है सही उत्तर होगा, विकल्प संख्या एक इसमें जो है सही आंसर है। अगला है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस इसका जो है सही आंसर है, विकल्प संख्या बी इसका सही आंसर उत्तर होगा। अगला है कि अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटाया गया था, तो इसका सही आंसर जो है वो 1874 यानी कि विकल्प संख्या फोर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसके द्वारा जो है किया गया था, तो ये जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है कई बार सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे के सवालों को जो है देखते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, शुंगवंश, हर्यकवंश, नंदवंश और मौर्यवंश। इसमें हर्यकवंश 544 ईसा पूर्व सबसे पुराना है, उसके बाद जो है नंदवंश 344 ईसा पूर्व है, इसके बाद जो है मौर्यवंश 321 ईसा पूर्व है। तो इस तरीके से जो है शुंगवंश जो है वो 185 ईसा पूर्व या 187 ईसा पूर्व कहीं कहीं की किताबों पर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हर्यकवंश एक पर, उसके बाद नंदवंश यानी कि 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 यानी कि विकल्प संख्या दो इसका सही आंसर होगा। एग्जैक्ट इसका सही आंसर जो है वो विकल्प संख्या दो यानी कि 2, 3, 4 और 1 इसका जो है सही आंसर होगा। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है कितना है, तो 74.04 एक कॉन्सेप्ट है, 74.04 यानी कि विकल्प संख्या एक इसका जो है सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है, तो इसका सही आंसर है जो 1000 करोड़ रुपये है, 1000 करोड़ रुपये इसका जो है सही आंसर होगा। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने, मृदा का अपरदन बहता हुआ जल, एग्जैक्ट सही आंसर भूजल, भूजल पृथ्वी के अंदर का जल है, इससे मृदा का अपरदन नहीं होगा, क्योंकि मृदा जब पानी उसकी सतह पर बहता है तो मृदा का क्षरण होता है और उसका अपरदन होता है, समुद्री लहरें हो सकती हैं। तो इसमें जो है एक और सी यानी कि विकल्प संख्या तीन इसका जो है सही आंसर होगा। यद्यपि इस क्वेश्चन या इस तरीके के प्रश्नों में लगातार कन्फ्यूजन होता है, तो एक एग्जैक्ट आंसर यही बन सकता है, बाकी इस बात पर डिपेंड करेगा कि पीएनपी इसका क्या सही आंसर मानता है। अगले पे हम देखेंगे कि जैव विविधता, आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं, बेसिकली ऐसे सवालों के दो उत्तर होते हैं, एक तो व्यापक संदर्भों में होता है और एक जो है उसका जो है वर्गीकरण के रूप में होता है। तो आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता, यद्यपि देखा जाए तो सभी उसमें आते हैं, लेकिन जो परिभाषाएं पढ़ी जाती हैं वो यही है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां आती हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसे सवालों में जो है उपर्युक्त सभी का आंसर ही जो है लगाया जाता है या जो है परीक्षा करवाने वाली संस्था के द्वारा माना जाता है। तो फिलहाल के लिए इसमें जो है इसमें से जो सभी का उत्तर जो है अभी यहाँ पर लगाना होगा। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम लोग मापते हैं, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो ये जो है आपका रेबीज है। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे कि ईसीजी, तो ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन करता है, तो ये इसका सही उत्तर जो हृदय है, ये भी पूर्व में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कार्डियोग्राफी करके है, तो ये जो है हृदय होगा। अगला 13 के क्वेश्चन संख्या में जो है
ये उदाहरण पूछ रहा है ये किस चीज़ का है, तो आइसोटोप का है, यानी कि जिसे हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। अगले में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। अब ऐसे जो अगर एक एक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक जो है इसमें एसिड पाया जाता है, लेकिन चूंकि ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं है तो ये सवाल विवादित भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक निष्कर्ष पर पहुँचना है तो इसमें जो विकल्प संख्या 4 यानी कि सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड आप लगाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर या कई स्रोतों में जो है यही आंसर इसका दिया जा रहा है। क्योंकि टमाटर को अगर देखा जाए तो कुछ खट्टे जो है स्वाद में ये आता है, तो सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड इसमें आ सकता है। बाकी लैक्टिक एसिड जो है दही या दूध या टार्ट्रिक एसिड जो इमली और एसिटिक एसिड सिरका में होता है, तो वो सारे विकल्प नहीं होंगे। विकल्प संख्या 4 इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल को हम लोग जो है देखते हैं कि जो है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बहुत ही लोकप्रिय था, 2015 में संपन्न हुआ। कई बार इससे संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, दोनों ही एसिड से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर विवादित बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जैक्ट और उत्तर के नज़दीक के विकल्प तक पहुँचेंगे। एस्कार्बिक एसिड अगर देखा जाए तो उसका एक रूप जो है वो विटामिन सी भी कहलाता है, और विटामिन सी का और एस्कार्बिक एसिड सभी रसेदार फलों में पाया जाता है, तो नींबू भी उसी प्रकार की स्थिति में है। तो यहाँ पर ये विकल्प जो है एस्कार्बिक एसिड और नींबू दोनों सही है, और चूंकि यहाँ पे नहीं का जो है ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो जो गलत होगा वही उसका सही आंसर होगा। और इधर विकल्प संख्या 2 में फार्मिक एसिड को दूध में बताया गया, जो कि नहीं है। ये कीड़े मकोड़े या इस तरीके के जो है चींटी बर्रे इनके काटने में जो होता है, तो यही जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है गलत है, और जो गलत है वही इसका जो है सही आंसर विकल्प संख्या बी इसका जो है राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक एक अपतटीय जहाज है, गश्ती जहाज है, अपतटीय जो है गश्ती जहाज है। अगला है 100% जो भी विविधता वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना, अलग अलग जो बुकलेट सीरीज नंबर के क्वेश्चन के विकल्प भी आगे पीछे दिए गए, इसलिए 1, 2, 3 से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, एग्जैक्ट आप जो है आंसर को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, साइमन आयोग 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, डार्विन दांडी यात्रा गांधी जी की, ये जो है आपके 1930, तो इस तरीके से फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है वो 1915, गांधी जी जैसे आए वैसे इनकी जो है मृत्यु हुई। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक है याद करने के लिए, ये नरम दल के जो है नेता थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए और अपना यात्रा भारत में जो प्रारंभ किया, उसी वर्ष इनकी जो मृत्यु हुई। तो इसमें जो है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो 4 इसमें जो है पहले नंबर पर होगा, और उसके बाद 2 होगा, और उसके बाद चूँकि 1919 आता है, साइमन आयोग 1 होगा, फिर लास्ट में जो है 3 होगा, यानी कि 4, 2, 1, 3 विकल्प संख्या 1 इसका जो है सही आंसर होगा, 4, 2, 1 और 3। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विकल्प संख्या 3 सही आंसर। 2000 अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो इसका जो सही आंसर है वो 17.5 है, और वहीं चाइना की जनसंख्या जो है 18.5% है, तो इसमें कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, 17.5 का सही आंसर होगा। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है, तो इसमें जो है सतलज और काली, यानी कि विकल्प संख्या 4 इसका सही आंसर होगा। अलग अलग बुकलेट सीरीज नंबर में इसके विकल्प आगे पीछे दिए गए हैं, तो उसको सावधानी से आप लोगों को देखना है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे, हरित क्रांति जो है निश्चित तौर पर 1966-67 में जो है प्रारंभ किया गया, और ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में भारत जो है में वृद्धि हुई, और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, तो विकल्प संख्या 1 यहाँ पर जो है सही होगा। नॉर्मन ई बोरलाग के जो है प्रयास से वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न के उत्पादन में जहाँ पर वृद्धि हुई थी, तो भारत में जो है इसे वहीं की तर्ज पर अपनाया गया और खाद्यान्न की जो है इसमें वृद्धि की गई। अगला क्वेश्चन 24, भारत के जो समुद्र तट चक्रवात से प्रभावित रहता, तो इसमें बिना सोचे समझे आपको उड़ीसा लगाना है, और उड़ीसा में अक्सर इस तरीके की जो है घटनाएं होती रहती हैं, तो ये तट जो है भारत का सर्वाधिक चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है, तो उत्तर मध्य रेलवे, विकल्प संख्या 2 जो है
इसका जो है सही आंसर होगा उत्तर मध्य रेलवे, इसमें जो है इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे जो कि रीजनिंग से संबंधित है, हालांकि इसका आप सॉल्व करेंगे 1728 इसका सही आंसर होगा। अगले में जो है लास्ट में 10 और 21 यानी कि और विकल्प संख्या 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग जो है बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर पुनः 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, जैसे 8 किलोमीटर यहाँ पे चला, 6 किलोमीटर यहाँ पे चला और पुनः अब वो अपने प्रारंभिक स्थान, तो वो पाइथागोरस प्रमेय जो है बन रहा है 8 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर यानी कि 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 के अनुपालन में जो है इसका 10 उत्तर होगा जो है, अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका सही आंसर निकालेंगे। विकल्प संख्या 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि 29 समय है, 2:30 पर दोनों सुइयां के जो बीच कितने अंश का कोण होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 105 यानी कि विकल्प संख्या 3 है। सादृश्यता में अयोध्या सरयू गंगा तट पर पूछा है कि कौन सा शहर है जो किस नदी के तट पर है, तो अयोध्या सरयू में विकल्प संख्या 4 इसका सही आंसर होगा। जो मृदा जल के द्वारा बहाई जाती है वो जलोढ़ी है और वायु द्वारा जो बहाई जाती है वो हतोड़ होती है, तो इस तरीके से जलोढ़ 31 में जो है एक विकल्प संख्या 1 सही होगा। भोज्य और भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध क्या कहलाता है, फूड चेन यानी कि भोजन श्रृंखला कहलाता है। समुद्र के तली में रहने वाले बेंथिक होते हैं, विकल्प संख्या 4 इसका सही आंसर है। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न यानी कि प्रतिदिन का तात्पर्य 24 घंटा के आधार पर होगा 4800 जो है मेगावाट इसका जो है सही आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। जब हम दिवस पढ़ रहे थे तो उसमें भी इसके बारे में जो है हम लोगों ने चर्चा जो है किया हुआ था। तो अगले सवाल को हम लोगों ने भारतीय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया, तो ये गोवा इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल है थाई जो है पूसम मनाया जाता है, धार्मिक त्यौहार है जो कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो तमिलनाडु, विकल्प संख्या 4 सही है। अगला किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन पढ़ाया गया चुका है रीजनिंग में क्लास में पूर्व के, तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया, सगी वेन यानी कि विकल्प संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर बनाया जाए, तो उसका राइट आंसर जो है मैदान नदी है। अगला है जीएसटी, आप ये देखना है कि सामान्यतया जो है 1 अप्रैल से चीज़ें लागू की जाती है, लेकिन ये 1 जुलाई से लागू की गई थी, विकल्प संख्या 2 सही है, 1 जुलाई 2017 इसका सही है। अगला है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये जो है मद्रास है, केरल में जो लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है, लेकिन लोगों ने गलत भी कुछ लोगों ने किया, तो मद्रास इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता, द्वैत शासन ये प्रांतों में लग गया, लेकिन ये जो है द्वैत शासन केंद्र में नहीं लगा था बल्कि 35 के जो है अधिनियम में लगा था, तो ये जो नहीं है वही इसका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प संख्या 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज चोला के द्वारा करवाया गया था, कोई विकल्प इसमें नहीं है, खैर तो हम राजराज प्रथम को यहाँ पर अभी भी मान करके लगाते हैं, लेकिन ऐसे सवाल विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमें जो एक नज़दीक का विकल्प है वो पहला ही होगा। 45 में अटल नवाचार मिशन, ये जो है उद्यमशीलता साइंटिफिक दृष्टिकोण से रिलेटेड है, तो आपका विकल्प संख्या 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर क्षेत्रफल पूछा है तो मध्य प्रदेश होगा, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, अदरवाइज दूसरे विकल्प होते, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्षेत्र देख रहे हैं, तो डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा इसमें विकल्प है क्योंकि भ्रंश से बहती है इसलिए डेल्टा यहाँ नहीं बहती है, और यह जो है भारत की अरब सागर में जो है गिरने वाली जो है एक सबसे बड़ी नदी भी कही जा सकती है जो भ्रंश के क्षेत्र से होकर के बहती है। अगला है 48 कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 24 मार्च 1946 यानी कि मार्च 1946 का विकल्प 45 भी है, लेकिन यहाँ पे 46 सही है। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि पदेन सभापति होते हैं, तो ये राज्यसभा के हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से, 12वीं का
नगर पालिकाओं से है। 11वीं अनुसूची किसने कितने विषयों से संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद 16 हैं और विषय 29 हैं, जबकि 12वीं अनुसूची जो राज्य नगर क्षेत्रों से संबंधित है उसमें 18 और 18 हैं, इसमें 16 और 29 हैं। तो अगर 18 को एक लाइन बनाया जाए तो चूंकि अनुच्छेद उससे कम है तो इसलिए जो है उसके विषय उससे ज़्यादा हैं। एक संतुलन एक याद करने का तरीका, तो यहाँ पे जो 16 अनुच्छेदों में 29 विषय, जबकि नगर पालिकाओं में जो कि 12 अनुसूची में है वहाँ पे 18 अनुच्छेद और 18 विषय हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो भी सवाल अभी तक दिए गए हैं उन सभी सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया, एग्जैक्ट यही आंसर है। और अगर किसी भी विकल्प में कमीशन के द्वारा मांगा जा अलग आंसर माना जाता है तो यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जिसमें एक से अधिक सवाल के उत्तर जो है बनने की संभावना होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग एग्जैक्ट आंसर इससे मिलान कर पाएंगे। अपने मित्र दोस्तों को भी जो है शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लाभान्वित हो सकें। और चैनल पर अगर आप लोगों में से कोई भी नया हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरीके के जो है इंटरेस्टिंग वीडियो, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर से संबंधित वीडियो और अलग अलग विषयों से संबंधित जो है कंटिन्यूसली लेक्चर आप लोगों को जो है प्राप्त हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः कुछ इसके और पार्ट को लेकर के हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।